Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो एंड वेलकम टू अनकंडीशनल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल अनकंडीशनल पॉइंट। गाइस, आपका भाई एक बार फिर आ गया आपके लिए एक नई वीडियो और एक नई कंपनी लेकर, जहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली पूरे 1,00,000 रुपए तक का लोन। कैसे आपको यहां पर ये लोन मिलेगा, क्या करना होगा, सब कुछ आगे बता दूंगा। वीडियो उसकी बिल्कुल मत करना, हो सके तो इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना। और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली 1,00,000 रुपए तक का लोन। चलिए शुरू करें। सो गाइस, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है लोन ले, RCFC इंडियाज बेस्ट पर्सनल लोन मोबाइल ऐप। ये एक थर्ड पार्टी ऐप है जहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल सकता है 1,00,000 रुपए तक का लोन। रेटिंग की बात करूँ 4.1 है, 10,000+ डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन। तो भाई एप्लीकेशन अच्छी है, सिंपली आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है, इंटरफेस कुछ इस तरीके आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। ओटीपी डालने के बाद आपने यहां पर एक पासकोड बनाना होगा। आपने पासकोड बनाने के बाद 4 अंकों का इसके अंदर लॉगिन कर लेना होगा। तो मैंने यहां पर पहले पासकोड बना लिया, तो चलिए मैं यहां पर अपना पासकोड डाल देता हूं अभी और लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद गाइस, इंटरफेस एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके यहां पर दिखाई देने वाला है। आप यहां पर रेफर एंड अर्न करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आप यहां से रेफर करते हैं लोन के लिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, तो आप यहां पर 25,000 से 30,000 रुपये महीने तक कमा सकते हैं। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है रेफर फॉर लोन का, एक है अप्लाई फॉर लोन का। तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए, लोन चाहिए या फिर आप पैसे कमाना चाहते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं आप किस तरीके से यहां पर पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आप इस कंपनी के साथ जुड़ के पैसे कमा सकते हैं। तो आपने क्या करना, रेफर फॉर लोन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो रेफर एंड लोन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, आपको जिस बंदे को लोन चाहिए आपने उसकी डिटेल यहां पर देनी होगी। ठीक है, सबसे पहले उस बंदे का नाम डाल देना है। नाम वही डालना है जो उसके आधार कार्ड, उसके पैन कार्ड के अंदर। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है उसका। उसके बाद मिनिमम सैलरी कितनी है उसकी। ठीक है, 18,000 रुपये महीना कम से कम होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 18,000 से ऊपर है तो ये आप यहाँ पर उसके लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, कौन सी कंपनी के अंदर काम करता है, सिटी कौन सी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, सिटी ये क्या है, पूरी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर केवल मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, और अगर आप अदर सिटी से हैं तो अदर कर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से केवल 4 सिटी के अंदर अवेलेबल है। 4 सिटी के अंदर यहाँ पर लोन देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप मुंबई से हैं तो आपने मुंबई सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लोन टाइप, कौन सी तरह का लोन लेना चाहता है वो जिसको आप रेफर कर रही हैं, लोन पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ठीक है, जो भी लेना चाहते हो उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस और एज क्या है डालने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपकी लीड जो है जनरेट हो जाएगी, कंपनी कॉन्टैक्ट करेगी उस बंदे से। ठीक है, उसके पास जो है कॉल जाएगी, वेरिफिकेशन होगी, उससे पूछेंगे भाई कितना लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। ठीक है, और उससे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे मैनुअली। ठीक है, और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तो उनको लोन दे दिया जाएगा और आपकी जो भी अर्निंग होगी वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी आपके बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, वो तब देनी होगी जब आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहां पर अपनी प्रोफाइल ही कंप्लीट करनी होगी। तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस और आपकी सिटी। ये डालने के बाद आपने नीचे है आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है। बैंक इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है, जब आप यहां पर रेफर करेंगे लोन के लिए अपने दोस्तों को, तो वहां पर आपकी जो भी अर्निंग होगी इसी बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिलने वाली है। और अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको यहां पर इसी बैंक के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपको मिलने वाली है। उसके बाद सबसे नीचे पैन कार्ड डिटेल देनी है और लास्ट में आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या हुआ कि आपकी KYC यहां पर कंप्लीट हो जाएगी और आप जो है इस कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है। जब आप ये प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद गाइस अगर आपको जरूरत है यहां पर लोन की, तो आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहां पर आपको फिर से क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपका फुल नाम डालना है। नाम वही डालना है जो आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड के अंदर हो। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, वो नंबर डालना है जो एक्टिव, क्योंकि उस नंबर पर जो है कॉल आएगी। ठीक है, और आपसे जो है मैनुअली डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। उसके बाद आपकी मिनिमम सैलरी कितनी है, वही जैसे कि मैंने आपको बोला था, कम से कम 18,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए। 18,000 से ऊपर ही होनी चाहिए, 18,000 से कम नहीं चलने वाली है।
उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डाल देना है। उसके बाद सिटी, अगर आप मुंबई से हैं तो आपने यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप नई मुंबई से हैं, थाने से या पुणे से, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये केवल 4 सिटी के अंदर लोन दे रहे हैं। अगर आप इन सिटी से हैं तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद कौन सा लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जो भी लेना चाहते हो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। लास्ट में ईमेल एड्रेस और एज डालने के बाद आपने सबमिट कर देना है। फिर से वही इसके अंदर होने वाला है, आपकी जो लोन एप्लीकेशन है यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी गाइज, उसके बाद पता है क्या होता है, इन कंपनी के साथ जो है प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, बैंक जुड़े होते हैं, उनके साथ इनके टाइप होते हैं। उसके बाद क्या होता है गाइज, ये क्या करते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो भेज देते हैं सीधा अपने पार्टनर को, जो उनकी पार्टनर फाइनेंस कंपनी होती है, जो पार्टनर बैंक होते हैं, उनके पास आपकी लोन एप्लीकेशन चली जाएगी। वो क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं, एक बार आपके पास कॉल करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, आपसे पूछेंगे भाई आप कितना लोन लेना चाहते हैं। जितना लोन भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं उतना लोन आप उनको बोल दीजिएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो आपको लोन दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR, आपकी सैलरी स्लिप, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये देने होते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो देने होते हैं लोन लेने के लिए। अगर आपके वो सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपकी लोन अमाउंट आपको बैंक के अंदर दे दी जाएगी 4 से 5 दिन के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये थी वीडियो, छोटी सी लोन ले पर, केवल मुंबई के अंदर ये लोन देते हैं। अगर आप मुंबई से है तो लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए, अगर आप मुंबई से अलग है तो भाई उसके लिए सॉरी मेरे भाई, क्योंकि क्या है कि हमारा काम इन्फॉर्मेशन देने का, कंपनी कोई भी हमें तो रिव्यू करना होता है, हमें बताना होता है भाई आप यहाँ से भी लोन के अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।